हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राहुल दर्शन पे। सो आज हम बताएंगे कि मैग्नेट वर्म की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। बाल काफी बड़े होते हैं तो इनके जो भी स्क्रैचिंग के बाद जो भी जख्म होती है वो काफी अननोटिस होती है। ये जख्म बाद में बड़ी हो जाती है और उसमें बॉन्ड्स में छोटे छोटे कीड़े भर जाते हैं। सो जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन अगर आपके आगे आती है तो सबसे पहले जो चीज है जहाँ पर भी आपके डॉग को वाउंड हुआ है वहाँ की जो जगह होती है वहाँ के हेयर आपको पूरी तरह से रिमूव करके वहाँ पर क्लिप करवा लेने हैं। सेकंड आप आपके घर में जो बीटाडीन सॉल्यूशन है आपका उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन भी आता है उसका यूज कर सकते। अगर आपके डॉग के बॉडी में छोटे छोटे वर्म वहाँ पर पड़ गए हैं तो आपको वहाँ पर डीमैक करके स्प्रे आया करता है, ये आपको यूज करवाना है। ये स्प्रे काफी बहुत ही मैकेट्स पे बहुत ही कारगर साबित होता है। आपने एक बार स्प्रे मारने के बाद आपको विद इन 5 मिनट्स पूरे के पूरे मैकेट्स वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। बाद में वहां पर आपको फोर्सेप का इसमें यूज करके जो भी मैगट से पूरे वहां से रिमूव करके पूरी तरह से उसको जख्म जो है पूरे अच्छे से साफ कर दीजिए। ये जो स्प्रे जो होता है स्प्रे में छोटी सी पिपेट होती है, जस्ट आपको पिपेट इस तरह से लगा के आपको यहाँ पर स्प्रे करना स्टार्ट करना है। सो स्प्रे करने से मैगट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट आपको कम से कम 3 से 4 दिन कंटिन्यू करवानी है, उसके बाद जख्म आपकी धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन आपको इसमें देना है। जख्म बनने के लिए साथ आपको कोल देना जरूरी है। इसको लिक्सिन करके पहले टेबलेट आती है उसको आप यूज कीजिए और मिनस के लिए दूसरी टेबलेट आती है आप उसको यूज कर सकते हैं। 3 to 5 days मॉर्निंग रनिंग एक कोर्स कीजिए आपके डॉक्टर 100% 5 to 6 days में पूरी तरह से क्लीन हो जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो।